आज का क्वेश्चन नंबर है 84। कितना नंबर है आज का क्वेश्चन नंबर आपका है 84। तो 84 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए सैंपल ऑफ सिलिकॉन स्टील हैज ए वॉल्यूम ऑफ इतना मिलीमीटर क्यूब एंड हाइस्टेरेसिस कोफिशियंट ऑफ 100। द फ्लक्स इज अल्टरनेटिंग ऑफ 50 हर्ज सच डेट द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज 2 टेस्ला। द हाइस्टेरेसिस पावर लॉस इज। कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया हुआ किसका, एक सिलिकॉन स्टील का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फिर हाइस्टेरेसिस कोफिशिएंट आपको 100 दिया हुआ है। फ्लक्स जो है अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो है मतलब फ्लक्स मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ज। और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी आपको बी का मान दिया हुआ है 2 टेस्ला। आपको निकालना है हाइस्टेरेसिस पावर लॉस। क्या निकालना है आपको, हाइस्टेरेसिस पावर लॉस जिसको डिनोट करते हैं पी एस से, सुई को डिनोट करते हैं किसे, हाइस्टेरेसिस पावर लॉस इसी को बोलते हैं। तो यही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए क्या क्या तो गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा आपको जो है वॉल्यूम मतलब भी दिया हुआ है कितना, इतना मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। और आपको हाइस्टेरेसिस कोफिशिएंट जिसे हम डिनोट करते हैं इसे, ये दिया हुआ आपको 100। और फ्रीक्वेंसी जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं वो दिया हुआ है 50 हर्ज। और फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है 2 टेस्ला। आपको निकालना है पीएच मतलब हाइस्टेरेसिस पावर लॉस निकालना है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, एकदम ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो वी नो डैट कि पीएच बराबर क्या होता है, हाइस्टेरेसिस कोफिशिएंट गुना में फ्रीक्वेंसी गुना में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का पावर 1.6 मैक्सिमम, और यहाँ से वॉल्यूम। ये सब ऐसे यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। तो बस आप इस फॉर्मूला में क्या करना है, आपको सबका वैल्यू पुट कर देना। तो वैल्यू पुट करते हैं तो पीएच बराबर एन आपको कितना दिया हुआ है 100 गुना एफ 50 गुना बी कितना दिया हुआ 2 1.6 गुना वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इतना, और इसको पावर इसका मिली को मीटर में बदल देते हैं तो 10^-3, ठीक है। और यहाँ पर क्यूब है तो ये हो जाएगा कितना 9, ठीक है 9 हो जाएगा। तो आप देखोगे तो इसको डिवाइडेड बाय करते हैं, और ये जो डाटा है इसको हम नीचे ले आते हैं 9, ठीक है। और कोई तो नहीं है बस, तो यहाँ से देखेंगे कितना 0 खत्म हो जाएगा, 3 3 6 3 3 6 0 इधर ख़त्म, 2 0 यहाँ ख़त्म, 1 0 यहाँ ख़त्म। तो ऊपर कितना बच गया, तो पी एच बराबर क्या बच गया, पी एच बराबर हमारे पास बचा 5 × 2^1.6। और कुछ बचा, और कुछ तो नहीं बचा, तो इतना आ गया, इतना जूल पर सेकेंड ये आ गया। तो पी एच बराबर तो अब क्या है 5 × इतना का वैल्यू क्या निकलेगा 2^1.6 का, तो
15.15 निकलेगा, ठीक है। तो इसको जब गुना करेंगे तो हाइस्टेरिसिस जो पावर लॉस है वो आपको निकल जाएगा 15.2 वाट्स, ठीक है। सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पर इसका वैल्यू तो कुछ और आएगा, ये वाला। जब इसका पावर तोड़ोगे ना तो 2 to the power 1.6 का वैल्यू आएगा 3.031, ठीक है। तो यही डाटा यहाँ पुट कर देंगे, 0.031 जूल पर सेकेंड। तो जब गुना करोगे तो 5, 5, 5, 15, 0, 15, तो pH बराबर आप लिख सकते हो 15.2 वाट्स या जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका निकल गया हाइस्टेरिसिस पावर लॉस। सब डाटा आपको दिया हुआ था, बस फॉर्मूला में रखना था। तो एक बार आपको हम बैक स्लाइड पर ले जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। और ये पेज फर्स्ट हो गया, और यहाँ से आप देखोगे तो ये सेकेंड पेज हो गया। और स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, मैं कुछ सेकेंड के लिए रुक जाता हूँ। और यहाँ से आपका यहाँ आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 85 पर। 85 नंबर क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। इन ए सर्टेन ट्रांसफार्मर, आपको कोई एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ, ठीक है। उसमें हाइस्टेरिसिस लॉस जो है पाया गया है कितना, वाज फाउंड टू बी इतना वाट, 160 वाट का हाइस्टेरिसिस लॉस पाया गया ट्रांसफार्मर में, व्हेन द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी वाज 1.1 टेस्ला। लेकिन अब बोल रहा है कि जब 160 वाट का हाइस्टेरिसिस लॉस पाया गया तब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कितना रहा, 1.1 टेस्ला रहा, एंड द फ्रीक्वेंसी कितना रहा उस केस में, 60 हर्ज रहा, ठीक है। अब बोलता है सेकेंड केस के, व्हेन द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज रिड्यूस टू 0.9 टेस्ला, बोलता है कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को आप कितना कम कर दिया जा रहा है, कहाँ तक, 0.9 टेस्ला तक कम कर दिया जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस कहाँ तक हो जाता है, 50 हर्ट्ज तक। ये सेकेंड केस बोल रहा है। तब उस केस में आपको पावर लॉस यहाँ भी बताना, हाइस्टेरिसिस पावर लॉस तब के केस में बताना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो आपको इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द, अच्छा गिवन डाटा हम लिख दे क्या, चलो गिवन डाटा ही लिख लेते, गिवन किसके लिए, फर्स्ट केस के लिए पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में आपको देखा जाए तो आपको फर्स्ट केस में ये हाइस्टेरिसिस पावर लॉस कितना है, इसे इसे पी एच वन मान लेते हैं, इसको हाइस्टेरिसिस पावर लॉस को पी एच से डिनोट करते हैं ना। तो पी एच वन फर्स्ट केस में आपको कितना दिया, 160 वाट दिया हुआ है। और देखोगे तो, और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कितना दिया हुआ है, बी वन मान लेते हैं इसको, 1.1, ठीक है, टेस्ला दिया हुआ है, ठीक है। और उस पर फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, इसको एफ वन मान लेते हैं, तो ये 60 हर्ज दिया हुआ, ये पहला केस के लिए डाटा है, ठीक है। और यहीं से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं सेकेंड केस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पावर लॉस सेकेंड केस के लिए तो आपको पूछा जा रहा है इन वाट, और यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी आपको कितना दिया हुआ है, 0.9 टेस्ला दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो दिया हुआ है 50 हर्ज पर। तो आपको यहाँ पर निकालना है हाइस्टेरिसिस पावर लॉस का मान, ठीक है। तो
इतना तो हम लोग कर लिए। तो एक चीज़ है कि हम अकॉर्डिंग टू द इसको कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा, स्टैन मर्ज हाइस्टेरेसिस लॉ के अनुसार हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला बनता है हाइस्टेरेसिस पावर लॉस का, क्या pH बराबर क्या बनता है, pH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है Fb 1.6 मैक्सिमम, यही फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला के आधार पर दो केस हमको दिया हुआ है, एफ पता है पहला केस में और बी भी पता है पहला केस के लिए, और पहला केस में हमको हाइस्टेरेसिस पावर लॉस भी पता है। तो ये बस इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तो केस वन के लिए इधर ही इसको पार ही लेते हैं। तो केस वन के लिए क्या है, अगर ये फॉर्मूला में पुट करें तो pH 1 का मान दिया हुआ है 160 इक्वल टू, और F का मान दिया हुआ है 60 इंटू, B का मान दिया हुआ है 1.1.6 मैक्सिमम, ठीक है मैक्सिमम यहाँ लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं। तो आपको एक इक्वेशन देखो यहाँ से मिल गया। अब यही फॉर्मूला अगर हम सेकेंड केस के लिए भी लगाएं तो यहाँ पर pH 2 तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी है और 0.9 1.6 ये आपको फ्लक्स डेंसिटी का मान दिया हुआ था, तो ये रख दिए। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 by 1 से, क्या करते हैं इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से, तो देखते हैं हमको क्या मिलेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो हमारा pH 2 by pH 1 इक्वल टू क्या होगा, 50 गुना में 0.9 1.6 by 60 गुना में 1.1.6 इतना होगा, ठीक है। अब इसका अगर हम निकाले तो pH 2 और pH 1 का मान दिया होता 60 इक्वल टू, यहाँ से यहाँ एक जीरो ख़त्म, तो 5/6 इंटू 0.9 1.6 गुना 1.1 1.6 ये हो गया। जब आप इस डाटा को इतना को कैलकुलेट करोगे बाय कैलकुलेटर या किसी से भी, तो pH 2 बाय 160 बराबर इतना का डाटा आपको क्या निकलेगा, 0.604 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे 0.604, तो pH 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0.604 गुना में 160, तो pH 2 बराबर क्या आ जाएगा, जब इसको आप गुना करोगे तो वाट्स आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड केस में जो हाइस्टेरेसिस पावर लॉस होगा उसका वैल्यू इतना होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर बैक स्लाइड एक बार लिख चले तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये पहला पेज 56 ये 85, दूसरा स्लाइड है ये आपका, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा देर रुक जाता हूँ, ये ले लो, फिर फाइनल ये है आपका थर्ड पेज, ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 86 पर आ गए, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए स्पेसिमेन ऑफ आयरन द फ्लक्स इज अल्टरनेटिंग एट 50 हर्ज, मतलब ये आपको फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ज, ठीक है, सच डैट मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज इतना, और यहाँ पर बी आपको दिया हुआ 1.5 टेस्ला, ठीक है।
इफ द हाइस्टेरेसिस पावर लॉस पर मीटर क्यूब इज इतना वाट, और यहाँ पर आपको पी एच का मान दिया हुआ है 93,00 वाट। ठीक है, ये भी आपको वैल्यू दे दिया है हाइस्टेरेसिस पावर लॉस का। द हाइस्टेरेसिस कोफिशियंट ऑफ द स्पेसिमेन, तो आपको बताना है, क्या बताना है आपको, ये इसका एन का मानो, इसका मान बताना, मतलब हाइस्टेरेसिस कोफिशियंट का, और ठीक है, और आपको डाटा जो है बी का कुछ इस तरह से लेना है, पावर में जो 1.6 चलता है, लेकिन यहाँ पर लेना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी पे पावर 1.8 मैक्स लेना है। ठीक है, ये वाला डाटा लेकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो इतना समझ गया क्या क्या डाटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मतलब नेक्स्ट मतलब स्लाइड पर। तो आपको गिवन क्या क्या दिया हुआ था, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ एक बार। तो आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था 50 हर्ज, यही ना। फिर आपको फ्लक्स डेंसिटी भी दिया हुआ था 1.5 टेस्ला, और हाइस्टेरेसिस पावर लॉस भी दिया हुआ था 93,000 वाट। ठीक है, और आपसे हाइस्टेरेसिस कोफिशियंट पूछा जा रहा है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डैट क्या जाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेनमर्स हाइस्टेरेसिस लॉ के द्वारा, कि पी एच बराबर क्या होता है एन एफ बी वो पे पावर 1.6 मैक्स अभी वॉल्यूम वाट्स। तो पी एच का मान है 93,000 इक्वल टू एन, हमको निकालना है, फ्रीक्वेंसी 50 है, और बी यहाँ पर 1.6 न लेके लेना है क्या, बी 1.8, तो बी का नाम बी कितना है 1.5, उस पर पावर 1.8 लेना है, और यहाँ पर वॉल्यूम कुछ दिया नहीं है। अच्छा, वॉल्यूम पर दिया हुआ था तो 1 मान लेंगे। ठीक है, 1 क्यों माने, देखो क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है पर मीटर क्यूब, है ना, इसीलिए 1 मान सकते हैं हम लोग। ये हो गया। ठीक है, तो हमारा अब इसको बस क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो हमारा एन यहाँ पर है ना, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 93,000 डिवाइडेड बाय 50 गुना 1 गुना 1.5 पे पावर 1.8, इतना होगा। ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा अगर देखा जाए तो n बराबर क्या होगा, 93,000 बाय 50 गुना में इतना का वैल्यू क्या है आपका, 2.074। ठीक है, अप्रॉक्स में है 2.074 है। तो इस डाटा को आप क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट सकते हैं, और चलते नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते इसको। तो एन बराबर मेरा आया था 93,000 बाय 50 गुना में 2.074। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ हमने उड़ाया था, फिर 5 से 100 को उड़ा दिया था, कितना बार में, 25 बार में ना, नहीं 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 कितना बार में उड़ेगा, तो एन बराबर 93 गुना में 100/5 गुना 2.074, तो इसको उड़ा दिए थे 20 बार में, तो n बराबर 93 गुना इतना, इसका डेसिमल उड़ा दे तो पर 1000 और 2074 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 6 18 2 3 4 0 और नीचे 2.74। जब इतना को इससे डिवाइड देंगे तो एन बराबर क्या आ जाएगा, आपका एक मान निकलेगा 8
896.5, ठीक है, 896.5। इसका तो हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होता, तो आपका यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा सॉल्यूशन। आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चल जाते हैं, मतलब पीछे से बैक से देखिए, ये 86 नंबर क्वेश्चन है, इसका ये पहला पेज है, ठीक है, पेज वन, और यहाँ तक देख लो, और पेज टू, पेज टू आपका यहाँ पर है, ये आपका पेज टू, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, और फिर आप नेक्स्ट पेज पे, ये आपका पेज थ्री, ठीक है, यहाँ आपका सॉल्यूशन आंसर आ गया।